अनवर आप ये मैच नहीं खेल रहे होते अगर आप अबू धाबी चले जाते हैं तो ये बताएं कि अफसोस है और अब तक कितने पैसे बना लिया आपने इस सीजन में फर्स्ट क्लास में? याया भाई देखें ये हमारे हाथ में तो खैर नहीं है, डिसीजन पीसीबी का था कि T10 में NOC नहीं मिली प्लेयरों को तो उसमें मैं भी हूँ, लेकिन एज़ ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैच मिला और खेल रहा हूँ मैचेस। सीज़न में पैसों की बात तो नहीं, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर नो डाउट जब कैरियर स्टार्ट किया था तो ये सारी चीज़ें सोचते थे, लेकिन अब ये है कि साथ साथ ये है कि पैसों की तरफ ज़्यादा नहीं अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान ज़्यादा हूँ। देखिए वहीद भाई, मैंने पहले भी काफ़ी अपने मतलब इस तरह के मैंने मेंशन किए कि U19 के बाद नो डाउट U19 में मेरा बॉलिंग स्विंग होता था, अच्छा अंदर आता था बॉल, लेकिन उसके बाद मुझे रिसेंटली जब मैं U19 के बाद फर्स्ट क्लास में आया तो मुझे इंजरी हुई थी साइड स्ट्रेन, तो मैं 6 to 8 मंथ जो था मैं बिल्कुल बैट पर था। उसके बाद मैंने रिहेबिलिटेशन करके थोड़ा और एक्शन भी थोड़ा चेंज किया था तो उसकी वजह से। नो डाउट बिल्कुल ये कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए काफ़ी मुश्किल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ये जो है ना आपको बहुत हेल्प करती है फाइनेंशियली भी, तो उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है प्लेयरों को, क्योंकि जो PCB का डिसीजन नया सेटअप आया है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो अब ये है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमने इसी को ही फॉलो करना है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी हाथ में है तो उसी को हम खेल रहे हैं जैसे डोमेस्टिक की शक्ल में। जहाँ तक आपने T10 का NOC की बात की, वो एज अ प्लेयर हमारे कंट्रोल में नहीं है, PCB का डिसीजन था, तो इस वजह से जो है ना हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू में ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन अभी मैं स्टिल अपनी बॉलिंग पे काफ़ी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रिहेबिलिटेशन सर्जरी के बाद आया हूँ और मैं ये मेरा सेकंड मैच है कि मैं खेल रहा हूँ। फर्स्ट मैच मैं अगेंस्ट एबटाबाद खेला, एक ही इनिंग आई थी बॉलिंग की, और ये मैं दूसरा 4 डे मैच खेल रहा हूँ। इससे पहले मैंने T20 खेला, उसमें मैंने फिटनेस शो की अपना आफ्टर सर्जरी, तो ये कि काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि आगे मैं अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस करूँ। वहीद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखें बोर्ड को इन चीज़ों पे भी सोचना चाहिए कि मतलब इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो है कि हम 1-2 लीग खेल सकते हैं अपनी लीग के अलावा, तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो इंशाल्लाह ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हमारे प्लेयरों को, लेकिन रिसेंटली पास्ट ये है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, NOC हमें नहीं मिली T10 की, तो अब यही है कि एज अ प्लेयर हम इसी डोमेस्टिक को कंटिन्यू करें और इसमें अपनी परफॉर्मेंस करें और आगे PSL के लिए तैयारी करें। लेकिन T10 में हमारा
भी बोर्ड से वादा करने के बाद नहीं दी गई, तो क्या समझते हैं कि एक तरफ तो एक खिलाड़ी को तीसरी लीग में इजाजत दे दी और काफी बाकियों को जो है वो कह दिया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने? देखिए, जैसे अभी मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं है एज ए प्लेयर, हमारे कंट्रोल में तो यही है कि जिस तरह रिस्ट्रिक्शन होंगी पीसीबी की तरफ से हम उसी को फॉलो करेंगे। हमें एनओसी नहीं थी तो हम यही डोमेस्टिक खेल रहे हैं आपके सामने। दुनिया भर में एक कल्चर है कि खिलाड़ी सिर्फ वाइट बॉल पर फोकस करते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप इनका इंजरी स्केयर भी रहता है, आप इंजर्ड भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी अगर वाइट बॉल पर आप फोकस करें तो ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाएगा पाकिस्तान टीम में कमबैक करना भी बनस्बत रेड बॉल खेलना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आगे अभी इंशाल्लाह ये है कि एज ए फिटनेस अगर मैं देखूँ, माशाल्लाह मैंने अभी बहुत काम किया अपनी फिटनेस में आफ्टर सर्जरी, तो मैं इंशाल्लाह ये है कि रेड बॉल को भी पसंद करता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट भी खेलूँ जिस लेवल पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले रेड बॉल। और साथ साथ में जहाँ आपने वाइट बॉल की बात की, तो नो डाउट वाइट बॉल की तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ज़्यादातर क्रिकेट वाइट बॉल की जो लोग लाइक भी करते हैं कि अनवर अली हमारे लिए वाइट बॉल खेले। याया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इस सीज़न में पहले तो मैं 4 डे क्रिकेट पे आऊँगा कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे एज़ अ बॉलिंग यूनिट जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगर 4 दिन का मैच है तो जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो आपकी टीम मैच कैसे जीतेगी। तो बॉलिंग में हम लोगों ने काफ़ी लेट डाउन किया और साथ साथ में ये है कि फील्डिंग डिपार्टमेंट भी इतनी अच्छी नहीं रही, जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ आई हमने ग्रैब नहीं किए। और T20 में भी मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो है ना फील्डिंग के शोबे में काफ़ी अच्छे नहीं रहे, मतलब बिल्कुल हमने चांसेस हमारे पास आए वो हमने अवेल नहीं किए थे T20 में भी। थैंक यू अनवर। थैंक यू। थैंक यू भाई।